सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। स्वागत है आप लोग का मेरी एक और तबाही धर्म में। तो आज की वीडियो में यार आप देख सकते हो मेरे पीछे है ग्रीन स्क्रीन। ओके तो भाई ये ग्रीन स्क्रीन ना भाई काफी मस्त चीज है भाई, क्योंकि ये देखो मतलब एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल दी। मतलब भाई 2 मिनट में बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, पिक्चर नहीं भाई वीडियो तक आ सकती है। ये देखो तुम भाई, तो यहाँ पे भाई वीडियो आ चुकी है। okay. देखो भाई, और लो ये भी, लो तुम ये भी। अबे सो गाइस, आपने देखा मतलब हम कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते, कोई भी वीडियो लगा सकते अपने पीछे। तो भाई कुछ लोग सोच रहे भाई ये कैसे करता होगा, भाई बड़ा मुश्किल काम होता होगा भाई, इसके लिए कंप्यूटर ही चाहिए होंगे। यार आप फोन पे भी बना सकते हो और ये फ्री में बना सकते हो, आप फ्री की एक ऐप है जिससे आप ये बना सकते हो। तो भाई ये जो मेरी ग्रीन स्क्रीन है, इसकी अमेजोन से मैंने बाय की थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से बाय कर सकते हो। okay. आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्रीन स्क्रीन में बैकग्राउंड कैसे डाल सकते हो और दूसरी बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस ग्रीन स्क्रीन से बैकग्राउंड मूव करने के लिए भाई मैं रिकमेंड करूँ आप काइंड मास्टर यूज करो। ओके तो यहाँ पे हमने काइंड मास्टर खोल लिया है और अभी एक ऐड आएगी जो मैं काट देता हूँ। सो गाइस 2 घंटे की ऐड मैंने काट दी है। ओ भाई, अब मैं क्रिएट न्यू पे जाऊंगा और यहाँ पे 69 पे यूट्यूब की वीडियो डाल सकते हो आप, 9x16 पे रील्स की। ये मेरे को पता है आप सोच रहे हो क्यों बता रहे हैं, आपको पता है। तो चलो मैं से हटा देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। अब अकाउंट पे जाके जो सी इमेज आपको बैकग्राउंड में लानी है वो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर ली, और जो जिस इमेज का बैकग्राउंड आना है वो सिलेक्ट कर ली। यहाँ से ट्रांसकोड कर लेते हैं यहाँ से हम, तो ये थोड़ा लोड लेगा, तब तक के लिए कट कर रहा हूँ। हो गया बहुत सी। तो फिर यार अब हम काट देते हैं यहाँ से और देखो ऐसा आएगा कुछ इंटरफेस। तो फिर इस क्लिप पे आपको टैप करना है और यहाँ मोर पे जाना है और डुप्लीकेट एज लेयर पे कर देना है और इसको कर देना है हमेशा के लिए डिलीट। तो फिर ये कभी दिखनी नहीं चाहिए आपको, अगर कभी दिखे तो पीट देना। और अब हमें इसको लाना है इसके नीचे, इसको ले आओ इसके नीचे और इसको कर दो पूरे इस पे। तो गाइस अब हमें क्या करना है, अब इस क्लिप पे आप टैप करोगे दोबारा तो फिर इसको आपको पूरे पे ले आना है, पूरे पे ले आए, वेल डन। ओके और अब आपको क्या करना है, नीचे जाके क्रोमा की पे जाना है और उसको इनेबल कर देना है। तो इतना कुछ हमारा काइन मास्टर अपने आप कर पाया, इसकी भाई कलाकारी देखो, घंटा कुछ नहीं गया। तो फिर अभी हमें खुद करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ से हम क्रोमा की पे जाएंगे और खुद मैनुअली करते हैं। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, ये जो मेरा थोपड़ा है ना, जैसे तुम्हारा थोपड़ा होगा उसको तुम्हें पूरा वाइट कर देना है और बैकग्राउंड को पूरा ब्लैक कर देना है, ब्लैक एंड वाइट बनाना है। तो भाई देखो इस नीचे वाले से मैं अभी करता हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड पूरा ब्लैक किया मैंने और इसे कर दिया मैंने पूरा वाइट, ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे मैंने इसको पूरा ब्लैक कर दिया, इसको वाइट। और अब देखो बैकग्राउंड जो है अपना हट चुका है और आवाज़ आ रही यार इसमें, तो इसकी हम आवाज़ भी कम कर देते हैं। मैंने ना जो एंडिंग की वीडियो है ना वही डाल दी इसमें, लेकिन कोई नहीं यार। तो अब क्रोमा की पे जाकर अच्छे से इसको करते हैं थोड़ा मॉडिफाई, और वैसे की टेंट इसको ब्लैक कर दिया ये। चलो भाई अब देखते हैं, तो भाई देख सकते हो अपनी पूरी एकदम मस्त चकनाचक हो चुकी है एकदम। और मान लो वीडियो डालनी है तो मैं तो फिर इस पर टैप कर देना और इसको डिलीट कर देना एक बार, फिर यहाँ से मीडिया पे जाके ना तुम यहाँ से कोई भी वीडियो उठा लो। जैसे मैं उठा लेता हूँ इसकी, उठा लेता हूँ ये जो टापू सा आएगा। तो गाइस टापू की वीडियो मैंने ये यहाँ से ले ली है, इसको काट देते हैं पूरा, ये तो काइन मास्टर की ऐप पे थी इसलिए मैंने ले ली। तो फिर अब क्या करते हैं, अब देखो तुम अपनी वीडियो जो है ऐसे भी चल रही है एकदम मस्त, और भाई पूरी एकदम मस्त दिख रही है वीडियो। वो तुम जब शुरू में देखी होगी तुमने मेरी वीडियो, उसमें देख सकते हो मेरे बहुत ही खराब बैकग्राउंड आ रहा है, वो इस वजह से आई क्योंकि गाइस लाइटिंग की थोड़ी दिक्कत आ गई थी उस वीडियो में। ठीक है, मतलब से अब देख सकते हो तुम लाइटिंग मतलब से पूरी एकदम मस्त बनी है वीडियो। तो भाई आप भी लाइट यूज़ करना, वरना ऐसे मेरी जैसे शुरू में देखी थी ना आपने वैसी हो जाएगी।
तो फिर वैसी मत करना, फिर अच्छी नहीं लगती वैसी। तो फिर ऐसे देख सकते हो, और फिर इसको चाहे तो आप छोटा करो, और जैसे गेमर देखते हो ना वो ऐसे ही पीछे ग्रीन स्क्रीन लागे और फिर ऐसे खेलते हो गेम, और ऐसे गेम चलता रहता है और वो खेलते रहते हैं। तो भाई आप भी ऐसे ही बना सकते हो। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो यार। अगर अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।